माता जी का जो फर्स्ट यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होगी दर्शनी गुरुवार, और यहीं पे हमारे जो बैग या लगेज वगैरह वो चेक करे जाए। तो ये कुछ नज़ारा है भाई अभी का, फिलहाल अर्धकुंवारी का। जय माता दी। भीड़ तो है भाई यहाँ पे, भवन रह गया अभी भाई सिर्फ 1 किलोमीटर। वो देखो यहाँ से वो सामने दिख रहा है, और इस वक्त टाइम हो चुका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइज आज का व्लॉग जो है वो भाई मेरा स्टार्ट हो रहा है माता वैष्णो देवी जी के दरबार कटरा से। और गाइज इस वक्त भाई टाइम हो चुका है 9:22। भाई सबसे पहले मैंने ले लिया अपना RFID कार्ड, क्योंकि इसके बिना तो दर्शन होते नहीं है। बट इसकी टाइमिंग है 10 बजे तक, रात के 10 बजे ये मिलना बंद हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल हूँ भाई मैं बस स्टैंड पर, यहाँ से जाएंगे पहले दर्शनी दरबार, और वहाँ से होगी जो अपनी मेन यात्रा स्टार्ट। तो भाई पहले मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से ये RFID कार्ड मिलते हैं। तो ये सामने भाई इस साइड बस स्टैंड, और यहाँ से ही आप आओगे सामने। तो गाइज ये है भाई यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा। लो भाई बाकी की यात्रा स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको बता दूँ कि भाई ये मैं यात्रा जो है वो सोलो ट्रैवलिंग में कर रहा हूँ, सोलो ही कर रहा हूँ फिलहाल तो। और तो भाई कल मेरा बर्थडे भी है, जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना तब तो उस दिन तो भाई मेरा बर्थडे होगा, हो भी चुका होगा शायद से, क्योंकि ये ब्लॉग तो भाई बाद में एडिट होगा। तो ये है भाई यहाँ का मेन चौक जो है ना, और इसी के पास आपको भाई काफ़ी ज़्यादा होटल वगैरह जहाँ सब कुछ मिल जाएगा वैसे अरेंजमेंट। हाँ जी, तो भाई फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ फिलहाल दक्षिणी द्वार। वो देखो वहाँ से सामने भाई यात्रा स्टार्ट होगी दर्शनी गुरुवार, और यहीं पे हमारे जो बैग या लगेज वगैरह वो चेक करे जाएंगे, और इसी को पार करके फिर हमारी यात्रा हो जाएगी स्टार्ट। जय माता दी। तो भाई अभी लगेज वगैरह होगा यहाँ पे चेक। जय माता दी। तो फाइनली भाई बैग वगैरह हो चुके हैं यहाँ से अपने चेक पोस्ट पे। गाइज अपने बर्थडे पे भाई माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करना, मतलब इससे स्पेशल दिन और क्या ही हो सकता है। तो अभी की बात करें भाई यहाँ पे टेम्परेचर हो रखा है नीचे 26 के करीब, और भीड़ की बात करें तो यहाँ पे तो है ही है, बाकी ऊपर पता नहीं कितनी होगी। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा घोड़े हैं ना, अगर आपको घोड़े पे जाना है तो आप घोड़े पे भी जा सकते हो, बट अगर आप इतनी दूर आ ही रहे हो तो भाई चलते चलते आओ, माता जी को जो दर्शन है ना वो करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई आप सभी से मतलब एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप माता जी के आ रहे हो तो भाई चलते चलते ही आना। हाँ, अगर जिससे नहीं चला जाता तो वो अगर आप घोड़ा करना चाहो मतलब कर सकते हो। तो गाइस इस वक्त भाई मैं पहुँच चुका हूँ बाण गंगा। तो भाई पानी यहाँ पे कम ही है वैसे, जाए या ना जाए पानी तो है ही नहीं है भाई, पाइपों से आ रहा है ये देखो। बाण गंगा तो खाली पड़ी हुई है। इस तरीके से गाइस आपको मिल जाएंगे भाई, अगर आपने फ़ोटो करवाना है तो आप यहाँ पे फ़ोटो करवा सकते हैं। तो गाइस फाइनली भाई सीढ़ियाँ आ चुकी है यहाँ से, और ये सीढ़ी है 360। तो भाई ये मैं अभी जाने लगा इसी के ऊपर, हालत ख़राब हो जाएगी अच्छा, तो ऑलरेडी पसीना इतना आ गया ना भाई। लोग थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ी है लेकिन इतनी बुरी हालत हो गई ना, क्या ही बताऊँ, अपनी चढ़ी आ रही पूरी। यहाँ पे देखो भाई व्यू चेक करो यहाँ से कटरा का, ये चेक करो भाई, गलत डिसीजन ले लिया भाई यहाँ पे सीढ़ियों वाला, ऐसे चलता तो सही रहता, व्यू मस्त दिखता है लेकिन यहाँ से कटरा का व्यू दिख रहा है ना। तो दोस्तों अभी भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अर्धकुंवारी, ये देखो, और इस वक्त टाइम हो रहा है 11:30, और यहाँ से कटरा का व्यू देखो भाई एक बार, क्या मस्त है ना भाई। यहाँ पे खाने पीने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा दुकान है, मतलब खाने पीने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक दुकान ही दुकान है। अर्धकुंवारी में पहुँच के भाई अपना जो खाना पीना है ना लाइट सा करना है, तो वह देखो स्ट्रिंग के साथ ब्रेड पकौड़ा यही मिला मेरे को, एक मतलब लाइट सा है। वैसे तो अभी यहाँ पे पास में माता जी का जो भंडारा था, मतलब कड़ी चावल राजमा चावल जो भी साथ में आती दुकान में मिल रहे थे, दुकान ही वो ऐसे बनाया होता है माता जी का, मतलब वही का होता है। बड़े यहाँ से मैंने सोचा कि खाते थोड़ा बहुत, और उसके बाद दोबारा से अपनी यात्रा
स्टार्ट कर देते हैं अभी तो अर्धकुंवारी का भी मैंने आपको दिखाया नहीं है, उस साइड थोड़ी सी आगे जाते हैं वो करता है, खा भी देते हैं। तो ये कुछ नज़ारा है भाई अभी का फिलहाल अर्धकुंवारी का। जय माता दी, भीड़ तो है भाई यहाँ पे अभी हो रखी है। मैंने सोचा भाई यहाँ पे बैठेंगे 10 मिनट, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे बैठने के लिए थोड़ी बहुत भी जगह होगी। चलो भाई अपनी यात्रा करते हैं स्टार्ट। तो गाइस भवन रह गया अभी भाई सिर्फ 1 किलोमीटर, वो देखो यहाँ से वो सामने दिख रहा है, और इस वक्त टाइम हो चुका है 1:05, तो अभी 1 किलोमीटर रहा तो भाई कितना 15-20 मिनट लगेंगे और हम लोग पहुँच जाएंगे सीधा माता जी के भवन यहाँ देखो। और अभी भाई रौनक भी यहाँ पे कम हो रखी है क्योंकि रात की वजह से ना लोग ज़्यादातर रेस्ट लेना ही प्रेफर करते हैं क्योंकि थकावट सी हो जाती है भाई। तो गाइस स्वर्ग का नज़ारा ना कुछ इस तरीके का है भाई, ऐसा दिखता है हमारा स्वर्ग। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। फिलहाल तो अभी मैं पहुँचने ही वाला हूँ, अभी यहाँ पे नहाएंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद चलेंगे दर्शन करने। और हमारे जो फ़ोन है वो बस यहीं तक रहेंगे, उसके आगे जमा करवाने पड़े लॉकर में, जाके देखता हूँ, बट फोन जो है वो यहीं तक रहेंगे। जय माता दी। तो गाइज इस फर्स्ट चौकी को पार करने के बाद भाई यहाँ से ले लिया अभी मैंने बेट, और उस साइड है भाई मंदिर की, अभी मैं जा रहा हूँ दर्शन करने, पहले नहा लेते हैं उसके बाद निकलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल भाई 5 नंबर वाली साइड जहाँ पे कि मैं दर्शन करूँगा, उससे पहले यहाँ पे नहाने के लिए जगह है भाई, यहाँ से आप नहा सकते हो, और उसके बाद फिर सीधा चले जाएंगे वहाँ पे। फ़ोन भी तो जमा करवाने हैं अभी, ऐसे तो लॉकर में भी करवा सकते हैं, मैं कहीं और दूँगा। चलो भाई, तो भाई लोग अभी ठंडे ठंडे पानी से नहाते दोनों जी को रेडी माता जी के दर्शन करने के लिए, तो लेट्स गो भाई चलते हैं। जय माता दी। तो गाइस अभी अपने दर्शन जो है वो भाई हो चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे से। जय माता दी, आप भी कर लो भाई। और अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से निकल जाए भैरव घाटी के लिए। तो गाइस अभी वो है सामने भैरव घाटी, उसी साइड एक और पहाड़, वहाँ से भी जो व्यू दिखेगा ना बहुत ही बढ़िया। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने, यहाँ से आपको भाई कंबल भी मिल जाएगा, अगर कंबल लेने हो कंबल लेके आराम से आप ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आके भाई एक रास्ता चले जाता है वे टू कटरा, जहाँ से कि हम नीचे से आए हुए थे, और एक यहाँ से सामने को चले जाता है वे टू भैरव बाबा जी के मंदिर। और जब तक भैरव बाबा जी के मंदिर ना जाया जाए तो भाई दर्शन तो कम्प्लीट होते नहीं है। तो भाई चलो पहले तो चलेंगे यहीं पे, और उसके बाद वहीं से निकल जाएंगे टर्न करके। जय माता दी, ओम नमो शिवाय। आज तो भाई अपना जो डाइट चल रही है ना बिल्कुल ऐसे लाइट लाइट चल रही है। तो देखो अभी भी फिलहाल एक सैंडविच और ये गावा का रियल जूस, ये चल रही है फिलहाल अपनी, मतलब बिल्कुल लाइट डाइट। और ये खा के सीधा निकल जाऊँगा मैं भैरव घाटी के लिए रेस्ट करने के लिए, और 2-3 घंटे जो मेरे हो गए मैं वहीं पे स्पेंड करूँगा अपने उसके बाद से। तो भाई लोग अभी वहाँ से खाना पीना करने के बाद मैं चढ़ने जा रहा हूँ भाई ये भैरव बाबा जी की सीधी जो ऊँची चढ़ाई, और जाते जाते ये देखो एक व्यू पॉइंट मिल गया मेरे को। जय माता दी। तो चलो भाई अपनी यात्रा को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस है भैरव बाबा का वो पड़ेगा हमको 2 किलोमीटर। वैसे तो सीढ़ियाँ भी थी 413 थी शायद से, और मैंने ये वाला रास्ता ही चूज़ करा, ये सही है। तो चलो भाई चलते हैं। तो भाई अभी सारियाँ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं भैरव जी के मंदिर भैरव घाटी। और भाई यहाँ का व्यू होता है अभी आपको, फिलहाल तो यहाँ पे सभी लोग सोए हुए हैं भाई, यहाँ भी वही हाल है, रात का टाइम है तो सभी मैक्सिमम लोग सोए हुए हैं देखो यहाँ पे भी, और यह साइड
उधर बाबा जी का मंदिर, ये यहाँ पे। तो पहले चलते हैं भाई दर्शन करके आते हैं, उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगा, सुबह देखते हैं एक बार नया व्लॉग बनाएंगे अभी। बट अभी चलते हैं फिलहाल यहाँ पे भैरव बाबा जी के मंदिर में दर्शन करने, और बाकी भाई उस साइड भी चल के व्यू दिखाऊंगा आपको। फिलहाल अभी दर्शन करके आते हैं, शूज़ वगैरह यहाँ पे खोल देंगे और यहाँ पे जाएंगे दर्शन करने। हेलो भाई, क्या नाम है भाई? क्या सिंह? I am Rishu Singh. Rishu Singh. To... भाई अभी नया ही मेरा एक फ्रेंड बना है रिशु भाई, जो कि है पटना बिहार से। थैंक यू भाई, मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। मुझे बहुत खुशी। भाई ने सोलो ट्रैवलिंग करे, मैं भी सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ भाई। तो भाई फिलहाल कितने 12-13 दिन से घूम रहे हैं। हाँ, 15 दिन भाई जिगरा जाइए। मैं मेरी तो ये फर्स्ट सोलो ट्रिप थी, पर मज़ा आता है ना सोलो ट्रिप में, मज़ा ऐसे अलग अलग दोस्त मिलते हैं। दोस्त सोचते हैं भाई, दोस्त मिलते हैं, जल्दी जल्दी शेट चे। सही बात है, सही बात है भाई। भाई चल रहा है कि उड़ रहा है? उड़ रहा है। चलो उड़ने के लिए कह रहे हो अपना वो, ये जवानी है दीवानी का सीन है ना, जो सब घूमो भाई, सब ट्रिपिंग करो भाई। तो ऐसे बोलते हैं कि भाई एक बार थोड़े हो जाओ बड़े हो जाओ, तो उसके बाद बड़े मौके मिले घूमने के। भाई कुछ नहीं मिलते भाई। मेरा तो भाई आज बर्थडे चल रहा है फिलहाल। आज बर्थडे है? आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई। भाई थैंक यू। इसलिए मैंने सोचा कि भाई क्यों ना माता वैष्णो देवी जी के दरबार जाके दर्शन करे जाएँ। तो फिलहाल अपने बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, अभी भैरव बाबा जी के दर्शन करने चलते हैं। चलो भाई शूज़ वगैरह हो गए, चलो मिलते हैं फिर आपको बाद में।